नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे SBC एक्सपोर्ट्स। क्या इस कंपनी को करेंट प्राइस पे बाई किया जा सकता है? कंपनी का आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर हो सकता है? जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए क्या डिटेल हो सकता है? क्या उन्हें बने रहना चाहिए या फिर उन्हें अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए? जो लोग इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं उन्हें किस प्राइस पे इस कंपनी को बाई करना चाहिए? दोस्तों ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में होंगे, तो उनका सबका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन जो छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को, कंपनी को एनालाइज करके डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इस कंपनी के आज के क्लोजिंग की बात करें तो ₹7 पे यह कंपनी आज क्लोज हुआ है। अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो ₹4.55 जो कि 16 मार्च 2022 को इस कंपनी ने बनाया था। अगर इस कंपनी के आज के डिलीवरी की बात करें तो काफी स्ट्रांग डिलीवरी का डिटेल आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे 57% की डिलीवरी उठाई गई है जो कि काफी स्ट्रांग डिटेल है। अगर इस कंपनी के और डिटेल की बात करें दोस्तों, अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे यह कंपनी एक गिरावट ऑलरेडी आपको दिखा चुका है, वहां से यह बाउंस बैक करना स्टार्ट किया था लेकिन फिर से इस कंपनी में गिरावट आना स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग भी इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर चुके हैं वो चाहे तो ₹6.40 के पास अपना स्टॉप लॉस तैयार रखें, क्योंकि अगर यह कंपनी इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे जाता है तो यह कंपनी ₹5.50 के पास जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर से जरूर तैयार रखना चाहिए। जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई किए हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी गिरावट आपको नहीं दिखाने वाली है। हालांकि शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे गिरावट आपको देखने को जरूर मिलेंगे। जो लोग भी बाई करना चाहते हैं, इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, वो चाहे तो इस कंपनी को अगर यह कंपनी ₹6.50 के आसपास मिल जाए तो काफी अच्छी बाइंग आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो वहां पर बाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में इस कंपनी को बाई कर सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आपको करंट प्राइस पे लगाना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको लगाना है ₹6.50, और अगर यह कंपनी उसके नीचे मिल जाए यानी ₹6 के नीचे मिल जाए तो फिर अगेन आप चाहें तो बाई करके चल सकते हैं। तो यानी एक ही बार में आपको सारा पैसा नहीं लगाना है, आपको 2 से 3 पार्ट में करके पैसे लगाने हैं अगर इस कंपनी को आप बाई करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर लें, उसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यह पेनी शेयर है और पेनी शेयर हमेशा रिस्की होता है, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो दोनों हाई होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।